मिल रही है, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया, 8 लाख रुपए का इनाम इस नक्सली पर बताया जाता है जिसे ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई और इसके बाद लगातार जवानों ने हमले तेज कर दिए, घेरने की कोशिश शुरू कर दी और आखिरकार एक बड़े इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। 8 लाख का इनामी नक्सली ये बताया जा रहा है जो इस ऑपरेशन में ढेर हुआ है। तो बड़ा एनकाउंटर यहां पर हुआ है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में और दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। इसमें 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली जो था उसे ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया है और सुरक्षा बलों के लिए बेहद बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है। लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है उसमें तेजी सुरक्षा बल लाए हुए हैं और उसी के तहत लगातार कामयाबी सुरक्षा बलों को मिलती जा रही है। 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी ढेर कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई थी, आमना सामना हुआ जिसमें 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, गरियाबंद से खबर। तेंदुए की खाल के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, खाल बेचने की फिराक में ये तस्कर बताए जाते हैं और उसी दौरान इन 3 तस्करों को पुलिस ने दबोच लिया। एंटी पोचिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता दें, गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, वैसे भी ताजे फुलके का जमाना है। उनके लिए बंद है बिल्कुल, और हम क्यों लेंगे भाई, आदमी ये नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल, और हम क्यों लेंगे भाई, आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल, यदि वो आना चाहे तो। दरवाजे बंद है ये नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल, और हम क्यों लेंगे भाई, आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल, यदि वो आना चाहे तो। दरवाजे बंद है तो दरवाजे बंद हैं, दरवाजे